हेलो तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से हर वीडियो को देख रहे होंगे और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। सर मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करें उतना हमारे लिए कम होता है, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा, जिस पर हम क्लास 8th, 9th, 10th तीनों चला रहे हैं, 11th भी चल रहा है साथ ही साथ और 12th हम भी चालू करेंगे हम। तो सर जितने भी बच्चे हैं इससे रिलेटेड क्लास को, हम सभी को जोड़िए, आपसे जो भी बड़े हैं 10th 11th के बच्चे हैं उन सभी को आप शेयर करिए, ताकि और 9th के बच्चों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, बच्चों हम बात करते हैं हमारा क्या चल रहा था। हम एक साइड नंबर 2.5 पढ़ते, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण यहाँ पर आप लोगों का वेलकम। और एक्सरसाइज नंबर 11 फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz, इसका फैक्टराइज करना है। अब क्या फैक्टराइज करेंगे आपके मन में आ रहा है कैसे करें, तो यदि आप लोगों ने मेरे द्वारा बताई गई सारी आइडेंटिटीज याद कर ली है तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो वो सर क्या बताया आपने, तो आप लोग अपनी जो आपने जहां भी आइडेंटिटीज को लिया लिखा है, आइडेंटिटी नंबर 8 पे आइएगा आप लोग, आइडेंटिटी नंबर 8 वहां पर मैंने एक आइडेंटिटी लिखा है x³ + y³ + z³ - 3xyz। आप उसको ओपन करिए और आप देखोगे आइडेंटिटी क्या है कि x + y + z, फिर x² + y² + z² - xy - yz - zx है नहीं है बच्चों। देखिए आप लोग ये आइडेंटिटी आपको मिलेगी आइडेंटिटी नंबर 8, इसमें इसी ही यही आइडेंटिटी फॉलो हो रहा है। क्योंकि सब कैसे हो रहा है, आइए पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं। तो सॉल्यूशन चालू करते हैं हम लोग। 27x³ को क्या लिख सकते हैं, 3x³, y को y का होल क्यूब लिखते हैं हम लोग और z को z का होल क्यूब लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग 3xy³ × 3x × y × z। अब स्टूडेंट्स आप देखिए ये आपका आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है 9xyz, तो ये वाली लाइन हमारी आ चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे, तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ जिस पे कम है, चलो यहीं पे भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। x + y + z यानी 3x + y + z, ओके ये आपका हमने लिखा 3x + y + z एंड x² बोल रहा है आपसे, इसको हम नीचे ले लेते हैं, स्पेस कम जगह कम रहेगा फिर आप लोगों को समझने का प्रॉब्लम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सबको नीचे लेते हैं और जैसे ही इसको हम एक्सटेंड करेंगे यानी ओपन करेंगे तो आपका देखिए क्या है x + y + z एंड 3x + y + z, फिर है x² यानी 3x² फिर है y², ठीक है, फिर z² आपके उसे जेड की जगह जेड ये तो कोई दिक्कत नहीं, फिर माइनस के xy यानी 3x × y, फिर है yz यानी y × z माइनस zx z × 3x। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको ताकि क्वेश्चन हमारा सिंपल फॉर्म में आ सके और हमारा आंसर भी इसी के साथ आ जाएगा, 3x + y + z 9x² + y² + z² - 3xy - yz - 3xz। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ। सिर्फ क्या किया था हमने, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करिए, आगे आपका आंसर एक्स वाई जेड के मान पहले आप अलग अलग करिए इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और इसको भी लर्न करिए और आंसर को भी राइट करिए। ओके आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से क्या बोल रहा है कि वेरीफाई डेट x³ + y³ + z³ = ½xyz(x - y)² + y - z²(z - x²). ये LHS है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस वाले साइड को हम LHS बोलते हैं और इस वाले साइड को हम RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। आपको करना क्या है, ये LHS तो ऑलरेडी दे रखा है, इससे कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है RHS को, और RHS को सिंप्लीफाई करके उसका आंसर LHS के बराबर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में RHS दिया गया है उस RHS को हम लोग राइट करते हैं, और इस तरीके से हम लोगों ने इसको राइट कर लिया है। ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं इसको, हाफ एक्स
पहले तो हम इसको अभी अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हमने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमने आइडेंटिटी नंबर वन पढ़ी थी क्लास एट्थ में भी और अभी भी देखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड। ठीक है, राइट, यहाँ तक अपना सिचुएशन सही है। आइए अब हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले बच्चों हम लोग सेम टर्म देखिए, आप एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक जेड स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, एक जेड स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यानी दो दो बार दिख रहे हैं हमें, तो हम सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर, फिर जो बचे हुए हैं उनको हम लिख देते हैं टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू एक्स जेड। ओके, अब इन सब में से हम टू कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम लोग टू कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे टू कॉमन लेंगे टू बाहर आ जाएगा, टू अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, और ये आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, ये आपका डाटा कुछ इस तरह के, टू से टू हमारा स्टूडेंट्स क्रॉस हो गया, हमें लाना क्या है एक्स टू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम क्या करें इसमें, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए किस तरीके से हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड ये आंसर लाएं। अब आंसर क्या लाएं, टू से टू क्रॉस आउट, और जब आप इस लाइन को देखोगे, जब आप इस लाइन को देखोगे तो आपको आइडेंटिटी नंबर फोर लर्न हो जाएगी कि सर ये आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी नंबर फोर में देखा था, जो किसके बराबर था हमारा, जो हमारा बराबर था एक्स क्यूब प्लस, जो हमारा किसके बराबर था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड के बराबर था। इसका मतलब हमारा एल एच एस आ चुका है किसके, आर एच एस के। तो इस तरीके से हमने इसको हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, समझे ना, ये तो हमने आइडेंटिटी नंबर फोर पढ़ा था, ये वाली लाइन किसके बराबर है, आइडेंटिटी नंबर फोर में इस लाइन के बराबर है, और यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने वेरीफाई कर दिया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इसके बराबर है। और ये एक तरीके का फॉर्मूला भी है, कभी कभी जब हम फाउंडेशन के क्वेश्चन करते हैं उसका डायरेक्ट अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ओके, और यहाँ भी हम करेंगे क्वेश्चन में, आने वाले आगे क्वेश्चनों में। ओके, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको आप राइट करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं हम लोग, और 13 पर जब आएंगे, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो सो डैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर थ्री एक्स वाई जेड। अब क्या करें इसमें, तो इसके लिए आप आइडेंटिटी नंबर 8 का यूज लीजिए, वी नाउ, आइडेंटिटी नंबर कौन सी है 8, वी नाउ डेट, हालांकि मैं इस फॉर्मूले को ही पूरा लिख देता हूँ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है बच्चों, अब आपके क्वेश्चन में क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, वैल्यू को पुट करिए इसमें। ठीक है, तो जब हम वैल्यू को पुट करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट इसको हम दे देते हैं नंबर, जैसे हम इसको पुट करते हैं तो आइए देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, अब इसकी जगह क्या आ गया, जीरो, और जैसे ही जीरो आएगा चाहे हम ब्रैकेट में कुछ भी लिखें, चाहे हम ब्रैकेट में कुछ भी लिखें, जीरो से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होने के बाद वो कम्प्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई हुआ और आप देख सकते हो इक्वल के इधर हमारा क्या हो गया, पूरा जीरो। थ्री एक्स वाई जेड का हम ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये आपका आंसर आ गया। इसको हमने सोड ऐड कर दिया, वेरीफाई कर दिया। हालांकि डायरेक्ट भी हम कई सवालों में इसका डायरेक्ट भी यूज लेते हैं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये जीरो हो तो ये सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी नंबर 8 का यूज लिया, उसको मैं वैल्यू पुट किया और हमारा ये आंसर आया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिना जो आपको डिस्क्राइब तरीके से कैलकुलेट करते हो उससे नहीं करना है कि -12 × 12 × 12, 7 × 7 × 7, 5 × 5 × 5 ऐसे क्यूब करके ऐड करना है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। अब बिना एक्चुअल जो कैलकुलेटिंग मेथड है आप लोग जो बचपन सीखते हो उसका यूज नहीं करना है और अब तब जाके इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी बच्चों हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 13, वहां पर एक कंडीशन दी गई थी इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यदि जीरो हो जाए, हेंस क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। अगर ये कंडीशन हो तो ये हो सकता है, ये हमने प्रूव भी किया है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं x बराबर इफ सो यदि x बराबर -12 y बराबर 7 z बराबर 5 लूँ तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखो ये बराबर में चल रहा है तो वापस से -12 q 7 q, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5 q, तो ये किसके बराबर हो सकता है 3xyz के। तो 3 × -12 × y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 7 इंटू जेड की वैल्यू आपको 5 है। अब क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है। अब आप जनरल मल्टीप्लाई कीजिए, 12 × 3 = -36, ओके 7 × 5 = 35, 36 को 35 से मल्टीप्लाई करिए तो मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, 36 × 35, 5 × 6 = 30, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 18, 3 × 6 = 18, 1 × 3 = 9 = 10, 0 × 8 = 2, 1 −1260 स्टूडेंट्स क्या आया −1260। ठीक है, तो इसका आंसर आया −1260। इन दोनों के क्यूब का सम ऑफ क्या आया −1260, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन को हमने यूज लिया क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को राइट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट चलते हैं, कुछ पार्ट मैंने इसका बोर्ड पे करा दिया है। ये क्वेश्चन दिया गया 28 का क्यूब प्लस −15 का क्यूब प्लस, ये शायद आपको −13 दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है −13 है ये, ठीक है इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को सही राइट करना चाहिए। फिर इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 28, y की वैल्यू −15, z की वैल्यू −13, वैल्यू पुट कर दिया हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, ओके −− प्लस हो जाएगा। ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 3 = 45, 4 × 15 = 15 और 4 = 19, ठीक है। अब 195 × 84 हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5 = 36 × 2 = 38, 3 × 4 = 4 = 3 = 7, 8 × 5 = 44, 8 × 9 = 72 or 4 = 76, 7 × 8 = 15, 8 × 7 = 15, 0 × 8 = 76 = 13, 5 × 8 = 6, 1, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो आपका आंसर आया इसका 16380 आपका इसका आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ी हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी, पैटर्न मालूम होना चाहिए था, आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को राइट करिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरिया आर गिवन। यानी कोई आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, समझिए मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कोई आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, समझिए
इस रेक्टेंगल की आप जानते हो, रेक्टेंगल की कंडीशंस आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो सर, लेंथ बराबर होती है आपस में और उसकी लेंथ बराबर होती है उसकी और ब्रीथ भी आमने सामने की बराबर होती है, ये आप जानते हो। एरिया उसका दिया गया है, इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है सर। अब लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 25a² - 35a + 12 और लेंथ इंटू ब्रीथ हम l इंटू b लिख देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर। इसके फैक्टर करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको नजर आ रहा है, मैंने बताया था फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को जब 25a² से मल्टीप्लाई करोगे तो 300a² आएगा, यह आपको मल्टीप्लाई करने पे लाना है और एड सेपरेट करने पे माइनस का 35a, माइनस का 35a आपको ऐड या सेपरेट करने पे लाना है। अब देखिए क्या होगा सर, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करें, तो स्टूडेंट्स आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि इसकी और भी सारे मेथड है, सिद्धाचार मेथड, कई सारे मेथड है जो कि हम क्लास टेंथ में इन सब चीज़ों को जानेंगे, फिलहाल आपके कोर्स में इस मेथड को ऐड नहीं किया गया है। अब इसको करेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। 20 × 15 देखिएगा, 20 × 15 क्या हो जाएगा 300 और ऐड करने पे 35, माइनस लाना है तो दोनों को माइनस कर दीजिएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस 300 और ऐड करने पे माइनस का 35, समझ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 25a² - 20a - 15a, ओके, प्लस 12 l इंटू बी। स्टूडेंट्स कॉमन लेते हैं इसमें से, तो 5a कॉमन आ रहा है, जैसे कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 5a - 4, यहाँ भी आप माइनस के 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 5a - 4 एल इंटू बी। स्टूडेंट्स मैंने बोला था, आपको ध्यान होगा एक बार, कि ये सेम होने चाहिए आपके, तो आप देख सकते हो 5a - 4 और 5a - 3, ओके, एल इंटू बी, ये आपका 5a - 4 और 5a - 3 आया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करिए, तो आपकी लेंथ ये हो गई और ब्रीथ ये हो गई, चाहे तो लेंथ इसको बोल सकते हैं ब्रीथ, उस वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों लेंथ ब्रीथ कोई सी भी हो सकती है, रेक्टेंगल पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपका लेंथ और ब्रीथ क्या आया स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग उसको राइट करना चाहो तो राइट करिए, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका आंसर स्टूडेंट्स, जो इसका लेंथ आया, ठीक है, लेंथ कोई सा भी हो सकता है, ये नहीं कि हम लोग कहें कि कोई सा, तो मैं लिख देता हूँ लेंथ इसकी 5a - 4 और जो इसकी ब्रीथ लिखता हूँ वो आया है आपका, यूनिट्स तो खैर दिया नहीं गया है, 5a - 3, राइट, ये आपका आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है आपका, सही है। बुक में आपको शायद 5a - 3 दे रखा है लेंथ, तो आप ऐसे भी कर लीजिए, इसको 5a - 3 कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको आंसर पर, और इसको 5a - 4 कर लीजिएगा, तो ये पॉसिबल इसकी लेंथ और ब्रीथ हो सकती है, ओके। तो वीडियो को पॉज करके इस आंसर को आप लोग राइट करिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स 15 के सेकेंड पार्ट पर हम लोग चलते हैं। 35y² + 13y - 12 ये एरिया आपको दे रखा है, एक बार मैं इसको एरिया लिख देता हूँ, ये आपको क्या दे रखा है, पूरा एरिया, ठीक है, किसका, रेक्टेंगल का, ओके। अब रेक्टेंगल जानते हैं, वही रेक्टेंगल का डायग्राम मैं बना के एक बार वो दिखा देता हूँ आप लोगों को, हालांकि पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, ये इसकी लेंथ होती है सामने वाली लेंथ और ये इसकी ब्रीथ, ये ब्रीथ, ये भी जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो बताने की जरूरत है नहीं, अब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था लेंथ इनटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 35y² + 13y - 12 और लेंथ इनटू ब्रेथ को हम एल और बी से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स वही क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 12 × 35 करते हैं हम, 35 × 12 माइनस का 12 भाई है, तो ये आपका आ जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 36 और 6 = 42, माइनस के 420
और वाई स्क्वायर लाना है किसका, मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 13 लाना है आपको। अब इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका हमारा क्या हो सकता है सोचिए आप लोग ये सब। हालांकि मैं आपको हो सकती है थोड़ी बहुत यहाँ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ दशाचार मेथड नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। अब इसके जो फैक्टर होंगे 28 और 15, ठीक है, आपको 28 15 तो कैसे होंगे, ये प्लस कर लीजिए ये माइनस कर लीजिए, तो ये आपका प्लस का 13 आ जाएगा माइनस करने पे, ओके। और मल्टीप्लाई कीजिए 15 एट जा 120 12, 15 टू जा 30 30 और 12 42 माइनस का 420। तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर समझ गए होंगे, 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12 एल इंटू बी। स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन लेना है, 7y कॉमन आ रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, 7y जैसे क्यों कॉमन लेते हैं हम लोग, 5y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 5y प्लस 4, ओके। दोनों ही ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मैंने बोला था आपको ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए, तो आपका क्या हो गया 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3, ठीक है 7y माइनस 3, तो ये आपका आंसर हुआ। अब इसी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह किसी को भी लेंथ मान लीजिएगा, तो हम मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, जो हमारा लेंथ रहेगा वो कोई सा भी लिख लो आप 7y माइनस के 3, और जो आपका ब्रीथ रहेगा 5y ठीक है प्लस 4, ये आपका लेंथ एंड ब्रीथ हुआ, ओके ठीक है बच्चों, 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3 कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ओके ये हमारा आंसर हुआ। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए, और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही था ये, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। हाँ आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स, यहाँ पर क्यूबॉइड्स दिया गया नॉट रेक्टेंगल, ठीक है ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर कुछ वॉल्यूम आर गिवन बिलो, और क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड्स L into B into H, length into breadth into height, हालांकि आप नहीं पढ़ा है तो हम हालांकि 8th में पढ़ लेते हैं, 9th में भी इसको हम पढ़ेंगे जब हमारा ज्योमेट्री सेक्शन आएगा, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। वॉल्यूम दिया गया है आपको, वही लेंथ ब्रीथ हाइट, डायमेंशन मीन्स इसके जो इसकी मेजरमेंट है, लेंथ ब्रीथ हाइट आपको निकालनी है, कोई सा भी हो सकता है लेंथ ब्रीथ हाइट, वो कोई इशू नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्यूबॉइड की क्या होती है, क्यूबॉइड के बारे में खैर हम डिस्कशन जब इसका चैप्टर आएगा सर 12 13 जो भी चैप्टर है वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करते हैं, फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं, वॉल्यूम क्यूबॉइड जानते हो ना, माचिस का बॉक्स, वो पीपा वगैरह होता है हमारा, जूते का बॉक्स का जो कवर आता है, वो सब क्यूबॉइड शेप है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, ठीक है आइए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 12x, और स्टूडेंट्स इसको हम l इंटू बी इंटू एस से शो कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना कैसे निकालें, तो इसमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है सर 3x, जैसे 3x कॉमन लोगे तो x माइनस के 4 ये हो जाएगा आपका l इंटू बी इंटू एच। अब देखिए इसके तीन फैक्टर हो रहे हैं, मैं एक बार और लिख देता हूँ, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस के एच एक्स माइनस के 4, दिख गया आप लोगों को, दिख गया ना। तो इसकी जो डायमेंशन आई है मैं लिख देता हूँ, हालांकि लेंथ ब्रीथ इसमें नहीं लिखा गया स्पेशली, तो मैं डायमेंशन वर्ड यूज लेता हूँ, डायमेंशन ऑफ द हैंड्स, डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स, एक तो आपका 3 आया, एक x और एक आया आपका x माइनस के 4, ये 3 डायमेंशन आ गए, ओके समझे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट क्वेश्चन है, और इस पूरी एक्सरसाइज जो पॉलीनोमियल है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। वही क्यूबॉइड दिया गया है, उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब क्यूबॉइड में लेंथ ब्रीथ हाइट वही हमने लिख दिया, अब इसके हम पहले तो हम कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, के कॉमन आ रहा है आपको दिख रहा है, वाई तो आ नहीं रहा कॉमन, वाई इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, और हम कॉमन क्या लें 4 कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट्स इसमें से हम 4 के कॉमन लेते हैं, ठीक है। 4 के जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 वाई आ जाएगा, ओके
यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 2y, और यहाँ पर लेते हैं तो माइनस के 5, ओके, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये आ गया, ये समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करें बच्चों, क्या कर सकते हैं हम इसमें से, क्वेश्चन सही राइट किया है ना, एक बार हम मैच कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी कई बार हमसे मिस्टेक हो जाता है, के वाई स्क्वायर 8ky माइनस के 20k। अब देखिए ये आपका हो चुका है, अब कॉमन क्या लें हम इसमें से, सोचिए आप लोग थोड़ा सा, वो मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, यही तो मैं देख रहा था कि आखिरकार ये हो क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर लगाना भूल गए, ठीक है, तो हल्की मिस्टेक हो जाती थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन चुका है, अब इसका हम वो करते हैं फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लाई करने पे 3 5 15 माइनस के 15y² लाना है क्या, मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड सपरेट करने पे आपको 2y लाना है, ऐड या सपरेट, तो 15 कब आता है सर, 1 × 15, ठीक है, 3 × 5, और है क्या कोई आपकी नज़र में, है मेरी नज़र में तो यही है। अब 2 लाना है तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये तो खैर रॉन्ग है, ये सही है, तो आइए करते हैं हम लोग 4k 3y² 2y को क्या लिखें सर, प्लस का 5y माइनस के 3y, ठीक है, माइनस 5, ये आपका लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, आइए 4k, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, कॉमन क्या आया बच्चों इसमें से, आपका y कॉमन आया, y जैसे कॉमन लेते हैं तो 3y प्लस 5, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेते हैं 3y प्लस 5, मैंने बोला था ना ब्रैकेट के दोनों ही सेम आने चाहिए, ठीक है, सेम है 3y प्लस 5, तो देखिए आप लोगों का आंसर भी आ चुका है, ये आया 3y प्लस 5 और y माइनस के 1, और डायमेंशन आपका तीनों ही आ चुके हैं, तो लिख सकते हैं तो द डायमेंस हैंस, हाँ डायमेंशन ऑफ द कीवर्ड्स क्या आया, एक तो 4k, ठीक है, एक आया आपका, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ नहीं तो मिक्स हो जाएगा, 3y प्लस के 5, और एक आया आपका y माइनस के 1, ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स ये, बहुत ही इन्जॉय से पढ़ा हमने, एक एक कंसेप्ट एक एक कंटेंट मैंने बताया है, शायद ही कोई से कंटेंट मेरे से रहा हो, तो पूरी एक्सरसाइज को एक बार रिवीजन भी करना है आपको, मैं एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें पूरी एक्सरसाइज को मैं शॉर्ट में लूँगा, एक ही शॉर्ट में मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा उसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सभी वीडियोज़ को एक एक करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, प्लेलिस्ट उसकी पूरी बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा लिखा हुआ है, मैंने डिटेल से लिख रखा है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे पहले के सभी वीडियो डले हुए हैं, ठीक है, आप वहां भी जाकर देख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा इस एक्सरसाइज को शेयर करें, जिससे जिन बच्चों की पॉलीनोमियल्स बहुपद हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो उनकी स्ट्रांग हो सके और मैथ उनकी अच्छी होगी, ये आपकी बेसिक मैथ है, अगर यहां से आप अपनी पॉलीनोमियल सुधार लेते हो तो आने वाले क्लास 10th या कोई हायर क्लासेज आएगा वहां पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो बच्चों मन लगा के पढ़िएगा, एक एक वीडियो को देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस पर जोड़िए, नहीं उसके बाद ही हम फाउंडेशन क्वेश्चंस को लाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।